नागपुर जिले के सोलर एक्सप्लोजिव बाजारगांव चाकडोह कंपनी में 17 दिसंबर 2023 को सुबह 9:05 पर जबरदस्त विस्फोट हुआ। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सोलर कंपनी के CPH2 के यूनिट में उपस्थित 12 कामगार में से करीबन 9 या 9 से ज्यादा कर्मचारियों की मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है तथा 3 कामगार जीवित बचने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इस प्रकार CPH2 प्लांट की इमारत ध्वस्त होने की जानकारी मिली है। पूरे घटनास्थल को सील कर दिया गया है। जब तक घटनास्थल से सुरक्षित होने की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक शव को बाहर नहीं निकाला जा सकता। NDRF समेत अन्य टीमें मौके पर पहुंचे हैं। शव को PM के लिए मेडिकल ले जाया जाएगा। इस घटना के बाद राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख घटनास्थल पहुंचे एवं जायजा लिया। टाइम में सभी कर्मचारी बाहर कर्मचारी जे आहे कामगारांचे त्यांच्याबरोबर चर्चा तुम्हाला करावी लागेल। त्याचा पगाराचा प्रश्न बाकी त्यांचे प्रश्न आहे रविवारचा प्रश्न असे अनेक प्रश्न कामगारांचे आहेत त्याच्याबरोबर मॅनेजमेंटला चर्चा करावी लागेल हे सुद्धा त्यांना सांगून आलो मी आणि ते चर्चा कराल नंतर तयार। सोलर एक्सप्लोजिव कंपनी में विस्फोट होने की खबर मिलते ही कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर आशीष श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी साझा की। सुबह 9 बजे रिपोर्ट हुआ कि एक प्रोसेस बिल्डिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं बूस्टर्स जो कोल माइंस में यूज होता है उस ऑपरेशंस में सीविंग ऑपरेशन होता है तो कोई भी एक्सप्लोसिव में रॉ मटेरियल को सीव करके यूज किया जाता है। जब सीविंग कर रहे थे उसी समय यह घटना घटी। उसमें जो रिपोर्ट है 9 लोगों की मृत्यु का रिपोर्ट आया है। अभी फाइनल कंफर्मेशन जैसे हॉस्पिटल रिपोर्ट करता है कितनी एक्चुअल कंफर्मेशन है बट प्राइमेफिसिया 9 लोग उसमें ट्रैप हुए थे 9 लोगों की डेथ हुई है। अब कोई बिल्डिंग में नहीं है और सभी इवैक्यूएट कर दिया गया है। प्रशासन के कंट्रोल में है। पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं सब फैक्ट्री के अंदर हैं। हमारे डायरेक्टर्स हमारे सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ भी वहाँ पे है। ये हमारी घटना हुई है। सभी को बाहर निकाल दिया गया है। सभी वर्कमैन को बाहर है। कोली मैनेजमेंट स्टाफ और कंपनी का मैनेजमेंट स्टाफ वहाँ पे है जो सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए अंडर गाइडेंस ऑफ पुलिस एंड प्रशासन। कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि घटना में कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है यह बताना मुश्किल है। सवेरे 8 बजे ऐसा हुआ, 8 बजे से यहाँ पे पब्लिक है लेकिन किसी को जाने नहीं दिया अंदर। 9-10 बजे यहाँ पे पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद पब्लिक पूरी इधर रुक गई है लेकिन जो उनकी जो माइती है अभी तक किसी को मिली नहीं है। अंदर जाने के बाद भी स्पॉट पे अभी तक कोई नहीं गया है। स्पॉट से नहीं कुछ तो 300 मीटर दूर से या सब जो भी गए वहाँ से 300 मीटर दूर से ही देख के आ रहे हैं। कोई नज़दीक नहीं जा रहा क्योंकि उनका कहना है कि और स्पॉट हो सकता है उसके कारण कोई नहीं जा रहा। और हादसे में कितने लोग गए अभी किसी को नहीं मालूम। सिर्फ जो अपनी हाजिरी लिस्ट रहती है हाजिरी लिस्ट देख के इन्होंने अपने को बताया कितने लोग ये प्लांट में है और ये प्लांट से वापस नहीं है। अभी वहाँ पे 13 लोग है कि 20 लोग है ये किसी को मालूम नहीं कितने लोग मर गए ये सिर्फ अभी इन्होंने बताया। इसके पहले भी ऐसे हादसे हो गए हैं। ये जो लोकल एरिया को लेते नहीं है क्योंकि लोकल एरिया की पब्लिक यहाँ पे चढ़ जाती है उसके वजह से लेते नहीं। बाहर के लेते बिहार के लोग यहाँ पे लेते हैं। ऊपर से 10,000 से इनको पेमेंट देता है 10,000 में करना पड़ता है और टारगेट देती है कंपनी। ये आदमी से काम नहीं भी होगा तो इसको 8 घंटे में उतना काम करना ही है। अगर परिस्थिति नहीं भी रहेंगी तो 8 घंटे में उसको उतना टारगेट करके ही देना पड़ता है। टारगेट हादसे का जो ज्यादा प्रमाण है हादसे की वजह से बढ़ गया है। टारगेट का जो प्रेशराइज कर रही है कंपनी मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रही है वर्करों को। 8 घंटे का काम उनके 8 घंटे के अंदर होने वाला काम इनको 10 घंटे के होने वाला काम इनके हाथ से ले रहे हैं। इसके वजह से ये अपघात ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट ये कंपनी में हर साल हो रहे हैं। जिम्मेदारी 10 लोगों की है बोलते मेरे को अभी मालूम हो गया लेकिन वहाँ पे 35 लोग काम कर रहे हैं यानी डबल से काम कर रहे हैं। ये यानी यहाँ पे ऐसा प्रोटोकॉल कुछ नहीं है यानी मनमानी चल रही है कंपनी की। कुछ ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है लोगों का कि यहाँ पे समझ लो 10 लोगों का प्लांट है तो 10 लोगों ने उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। और ये कैसा है आपको बता दें कि इस कंपनी में 2018 में भी धमाका हुआ था। उस वक्त एक कर्मचारी की मौत हो गई थी और फिर एक बार इस कंपनी में धमाका हुआ है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कंपनी की लापरवाही नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।